श्रावस्ती जनपद में होली और शब ए बारात को लेकर श्रावस्ती जनपद में प्रशासन अलर्ट हो गया है और डीएम एसपी ने असंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों का पैदल गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जैसा कि आप साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जी आपको बता दें, शब ए बारात और होली के त्यौहार को लेकर श्रावस्ती जनपद में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और असंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जी आपको बता दें। और वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। श्रावस्ती जनपद में होली के त्यौहार को लेकर बाजारों में काफ़ी रौनकें देखने को मिल रही है। अलग अलग प्रकार के रंग बाजारों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आइए सुनिए एसपी का साफ तौर से क्या कहना। 7 और 8 मार्च के मध्य होली और शबे बारात का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के मद्देनजर श्रावस्ती पुलिस द्वारा अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी सारा चीज़ें थी, सारी हम लोगों ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसमें हम लोग ने समस्त जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया है। सुपर जोन के प्रभारी जो हैं वो उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी स्तर के होंगे। इसके अलावा जो भी होलिका दहन और शबे बारात के स्थल हैं वहाँ पे हम लोग PRVs का मूवमेंट, फायर टेंडर्स का मूवमेंट भी करवाएंगे। जो विवादित स्थल पहले से रहे हैं, जहाँ से जुलूस निकलता है, वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी। इसके अलावा जो हमारी LIU यूनिट है उसको भी सक्रिय रखा जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट को 24 आवर सर्विलांस में रखने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ से 2 आरक्षियों को भी नियुक्त किया है, जो सिर्फ इसी काम को देखेंगे, जैसे कि किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग ना होने पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने VC में जो भी हम लोग को पॉइंट्स नोट कराए थे कल, वो सारी चीज़ें अच्छा उसका पालन किया जाएगा। और इसके अलावा जो DJ मालिक वगैरह हैं, इनसे भी हम लोग ने अपनी मीटिंग कर ली है और इन लोगों को हिदायत दी है किसी प्रकार के अश्लील गाने ना बजाएं और अपनी मर्यादा में रह के इसमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। रूट मार्चेस वगैरह हम लोग ने किए हैं, पीस कमेटी की मीटिंग्स हो गई है। कुल मिला के हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि ये पूरा त्यौहार साकुशल संपन्न हो। धन्यवाद।